हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ टाई. सो टुडे आई विल टीच यू पार्ट टू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच वी स्टडी आर्टिकल 5-11 अबाउट सिटीजनशिप. करते हैं, सबसे पहले समझते हैं सिटीजनशिप क्या होता है. सो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट जो उनकी नेशनलिटी बताता है, और उन सिटीजन को सिविल और पॉलिटिकल राइट होते हैं. सिटीजनशिप क्या होता है ये तो समझ आ गया, पर प्रोविजन ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी तो कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान, और लोगों को ये भी इंडिपेंडेंस दे दी थी कि जहाँ की नेशनलिटी वो चाहते हैं वो कंट्री वो ज्वाइन कर लें. तो लोग इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे. ऐसे सिचुएशन में स्ट्रिक्ट प्रोविज़न की ज़रूरत थी, तो कुछ प्रोविज़न बनाए गए जिसमें कंडीशन रखी गई, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हुई तो इंडिया का सिटीज़न होगा. सबसे फर्स्ट प्रोविज़न आता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल. डोमिसाइल मतलब होता है वो स्टेट जहां हम परमानेंट रिसाइड करते हैं. अब ये डोमिसाइल टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, एक होता है डोमिसाइल ऑफ चॉइस. डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन मतलब वो बाय बर्थ से अपने से अटैच हो, और डोमिसाइल ऑफ चॉइस मतलब लोग एक्वायर्ड कर सके उस टेरिटरी में परमानेंट रिसाइड करने के इंटेंशन से हो. आर्टिकल 5 पर आ जाते हैं वापस. आर्टिकल 5 में तीन कंडीशन है, अगर उनमें से एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो वो इंडिया का सिटीजन होगा. फर्स्ट है ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, सेकेंड है आइदर इफ द पेरेंट हैज टेकन बर्थ इन इंडियन टेरिटरी, थर्ड है इफ अ पर्सन हैज बिन स्टेइंग फॉर मोर देन 5 ईयर इन दिस टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जो 5 साल से ज्यादा इंडिया की टेरिटरी में रह रहा होगा वो इंडिया का सिटीजन होगा. नेक्स्ट है आर्टिकल 6, सिटीजनशिप टू माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब ऐसे पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी इन इन कंडीशन पर. 6A, इफ ही और पर्सन्स पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट बॉर्न इन इंडिया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. 6B में दो कंडीशन दी है, जो 19 जुलाई 1948 के पहले इंडिया आए हैं वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो इंडिया के माइग्रेशन के टाइम पर, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आए हैं ही हैज़ बिन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, एंड फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ही मस्ट हैव रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 6 मंथ इमीडिएटली, तो ही वो इंडिया के सिटीजनशिप कहलाएंगे. आर्टिकल 7, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेट टू पाकिस्तान, मतलब ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए उनके बारे में. तो 1 मार्च 1947 के बाद जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं वो इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे. और आर्टिकल 7 ये भी बताता है कि अगर आर्टिकल 5 और 6 बोल दे कि वो सिटीजन होंगे तो भी वो सिटीजन नहीं होंगे. आर्टिकल 7 ओवरराइड करता है आर्टिकल 5 और 6 को, और 1 मार्च 1948 के बाद जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किए हैं और माइग्रेशन के बाद इंडिया आए हैं तो वो सिटीजन होंगे इंडिया के, अगर ये कंडीशन फुलफिल करते होंगे तो. फर्स्ट कंडीशन है या तो वो परमिट फॉर रिसेटलमेंट के अंदर आए हों या परमानेंट रिटर्न के लिए लॉ से अथॉरिटी लेकर आए हों, ऐसे पर्सन सिटीजन होंगे इंडिया के. नेक्स्ट है आर्टिकल 8, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड, मतलब है तो ओरिजिन इंडिया के बट आउटसाइड इंडिया रिसाइड करते हों तो वो इंडिया के सिटीजन होंगे, अगर दो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो. फर्स्ट है या तो वो या उसका कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, या वो रजिस्टर हुए हो सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक और कौंसलर के थ्रू, तो वो इंडिया के सिटीजन होंगे. आर्टिकल 9, पर्सन वॉलंटरीली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन, मतलब अगर 26 जनवरी 1950 से पहले किसी ने वॉलंटरीली फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले चुका है तो आर्टिकल 5, 6, 8 में सिटीजनशिप वो डिमांड नहीं कर सकता है, सिर्फ यही बोलता है आर्टिकल 9. आर्टिकल 10 बोलता है कॉन्टिन्यूंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन, मतलब आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 में अगर वो सिटीजनशिप ले चुका है तो फिर वो सिटीजनशिप कंटिन्यूस रहेगी, और वो जो सिटीजनशिप रहेगी वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ डेट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी वो उसके सब्जेक्ट मैटर होंगे. आर्टिकल 11 सिंपल सी बात करता है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, मतलब आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप के मैटर पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. आर्टिकल 11 सिर्फ इतना ही बोलता है, और एक सिटीजनशिप एक्ट बन भी चुका है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. सब्सक्राइब करना मत भूलना.